नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में मैंने ये हाई क्वालिटी वाला जो लिक्विड डिटर्जेंट मैंने बताया था, इसको मैंने बनाया था और इसकी एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग मैंने बताई हुई थी कि भाई ये कितना अच्छा क्वालिटी दे रहा है। तो फाइनली उसको कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके ऊपर जो मुझे और रिसर्च करनी थी वो मैं रिसर्च कंप्लीट कर चुका हूँ और ये प्रोडक्ट को आप इतना थिक तक कर सकते हो। ये देख लो, ये एक शैम्पू जितना थिक हो चुका है ये। आप इतना थिक इसको बना सकते हो। इसकी कम्प्लीटली मेरे पास एक्सपेरिमेंट हो चुकी है जो मैं इतने टाइम से कर रहा था। बहुत ही गाढ़ा बन चुका है ये। आप इतना कौन ठीक बना सकते हो। ये इसका कम्प्लीटली कॉन्सनट्रेट है। ये ऐसे तो पतला दिख रहा है लेकिन ये कम्प्लीटली है। यही एक चीज़ से आप इस प्रोडक्ट को इतना गाढ़ा कर सकते हो। और इस पर मैंने एक्सपेरिमेंट भी कर दिया। तो जो इस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया था सेम मेज़रमेंट पे। मैंने वही गैरेज वाला कपड़ा जो था ख़राब, जो पूरी तरीके से जितना साफ़ हुआ था उसके बाद भी जो उसमें था, उसको मैंने इसमें डाल दिया था। तो भाई ये फिर भी अभी 10 मिनट करीब मैंने छोड़ दिया था, ये इतना इसमें से और कलर निकल चुका है। जो ख़राबी इसमें था वो और निकल चुका है, ये इतना साफ़ हो चुका है। तो भाई आप इस चीज़ को मेरे पास से परचेस भी कर सकते हो और आप इस प्रोडक्ट को खुद से बना सकते हो। मैं फार्मूला भी आपको दे सकता हूँ, वो आपको फार्मूला परचेस करना पड़ेगा क्योंकि भाई इस चीज़ को रेडी करने में करीब मेरी 10 से 15 दिन की मेहनत लगी हुई है। तो भाई इतना तो है, आप इतना गाढ़ा इसको कर सकते हो। बहुत ही हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ये बनेगा आपका, बहुत ही अच्छी सफाई देगा। हाँ, ये पूरी तरीके से कपड़ा साफ़ नहीं हुआ है क्योंकि भाई इसमें बहुत ही पुराने ग्रीस ऑयल वगैरह के दाग है, तो ये इतनी आसानी से साफ़ नहीं होता। हाँ, बाकी इसके मुकाबले अगर आप देख लो तो हमारे जो रनिंग कपड़े होते हैं जिसमें कोई हल्दी वगैरह या ऑयल वगैरह के दाग लगते हैं या जो भी रहेगा, वो सब इसमें कम्प्लीटली साफ़ हो जाएगा। ये बहुत ही ब्रांडेड चीज़ है, बहुत ही अच्छी है। और इसकी कॉस्टिंग मैं आपको बता दूँ तो ये प्रोडक्ट, इतना थिक प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो, इतना गाढ़ा प्रोडक्ट, तो भी ये आपका 1 लीटर करीब से करीब 24 से 25 रुपये में आपका बन के रेडी हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप ये कॉन्सनट्रेट मेरे पास से परचेस करके बनाते हो तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। बाकी अगर आप खुद से इस चीज़ को बना दोगे, मैं प्रोवाइड कर दूँगा जिस किसी को भी ये खुद से बनाना, मैं बनाना सिखा दूँगा। आपको बस इसका फॉर्मूला परचेस करना होगा, मैं पूरा प्रोडक्ट बनाना सिखा दूँगा। तो ये आप खुद से बनाओगे तो आपको करीब 1 लीटर 24 से 25 रुपये में आपको रेडी हो जाएगा। और ये कम्प्लीटली सफाई देगा आपको, जितना भी आपको सफाई चाहिए ब्रांडेड प्रोडक्ट के मुकाबले जितना सफाई आता है, जो भी रनिंग हमारा प्रोडक्ट होता है उससे तो ज़्यादा ही सफाई देगा। ये एक अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। और एक बात ये थी कि एक सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने मुझसे कल कमेंट किया था कि भाई HCL से डिटर्जेंट लिक्विड बनाना का वीडियो बताओ। तो भाई इस पर मैं एक छोटी सी बात पे बता दूँ, भाई HCL से डिटर्जेंट लिक्विड आप नहीं बना सकते हो। आपने भले ही कहीं पे भी वीडियो वगैरह किसी का देखा हो या फॉर्मूला देखा हो जिससे HCL से डिटर्जेंट लिक्विड बना करने का प्रोसीजर बताया हो, लेकिन वो प्रोसीजर बिल्कुल ही गलत है। आप HCL से डिटर्जेंट लिक्विड नहीं बना सकते हो। ज़्यादा सस्ता बनाने की कोशिश मत करो, HCL से डिटर्जेंट लिक्विड नहीं बनेगा क्योंकि कोई भी केमिकल होता है, अल्कलिन और एसिड होता है, उसको हमें न्यूटिलाइज करना होता है। जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम किसी भी प्रोडक्ट किसी भी अल्कलिन से न्यूटिलाइज करते हैं तो वो अपना पूरा का पूरा गुणधर्म खो बैठता है। जैसे कि अगर हम HCl को कास्टिक सोडा से न्यूटिलाइज करेंगे तो NaCl प्लस H2O बन जाएगा, पानी प्लस नमक बन जाएगा। और सेम प्रोसीजर है सोडा एस से करो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से करो, सोडियम हाइपोक्लोराइड से करो, उसकी प्रोसीजर कम्प्लीटली सेम ही होगी। वो नमक में परिवर्तित हो जाएगा और सामने पानी रह जाएगा आपके पास, तो वो क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं देगा। हाँ, बस सिर्फ वो एक गाढ़ा प्रोडक्ट रहेगा इस टाइप का, क्योंकि सीधी बात है भाई, नमक और एसिलियस मिक्स होता है तो वो ठीक हो जाता है। इस तरीके का वो एक गाढ़ा प्रोडक्ट रहेगा, बाकी उसमें क्लीनिंग नहीं रहेगा। तो भाई इस तरीके के बहकावे में मत आओ और HCL से अपना प्रोडक्ट बनाने की कोशिश मत करो। बाकी इस प्रोडक्ट की बात, तो आप चाहो तो फार्मूला परचेस कर सकते हो और चाहो तो रेडी कॉन्सनट्रेट परचेस कर सकते हो। रेडी कॉन्सनट्रेट में आपको प्रोडक्ट थोड़ा महंगा पड़ जाएगा लेकिन अच्छी क्वालिटी ही देगा।
उसकी भी बनाने की प्रोसीजर कैसी रहेगी वो भी मैं बता दूंगा। तो इस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आप यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।